हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जोधपुर, जो जोधपुर रेलवे स्टेशन से विद इन 10 टू 12 किलोमीटर की रेडियस में है। और अगर आप जोधपुर जाएं तो इन्हें आराम से एक्सप्लोर कर सकेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि जोधपुर का जो बेस्ट टूरिस्ट प्लेस है उसे नंबर 1 की पोजिशन में रखा गया है। और अगर आप इनमें से किसी भी टूरिस्ट प्लेस को डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसका सेपरेट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर, और चैनल में पहली बार विजिट किया है तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम अपने चैनल में इस तरह के टूर गाइड की वीडियो बनाते रहते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारे अगले ट्रिप का इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, घंटाघर या क्लॉक टावर। यह जोधपुर रेलवे स्टेशन से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और इसे 1880 से 1911 में महाराजा सरदार सिंह ने बनवाया था, और इन्हीं के नाम पर यहाँ एक सरदार मार्केट भी लगता है। यहाँ आपको कपड़े, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और प्लास्टिक का सामान काफ़ी सस्ते रेट में मिल जाएगा। वैसे तो इसके अंदर जाना अलाउ नहीं है, पर यह फॉरनर्स के लिए एक अट्रैक्शन का केंद्र है। यह रात के समय पिंक लाइट में बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ घूमने में आपको मात्र आधे घंटे से एक घंटे का समय लग सकता है, तो अगर आप जोधपुर जाएं तो यहाँ घूमना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 9, मात्य सफारी पार्क। यह एक बायोलॉजिकल पार्क है जिसका टिकट मात्र 30 रुपए है और यह जोधपुर रेलवे स्टेशन से 7.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप जीव जंतु के शौकीन हैं तो यहाँ आकर आप कुछ पल उनके साथ बिता सकते हैं। आपको यहाँ एमू, एशियाई शेर, बाघ, भेड़िया, भालू, हिरन और काफ़ी तरह के जानवर देखने को मिल जाएंगे। बच्चों और फैमिली के साथ यह एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट हो सकता है। बच्चे यहाँ आकर खूब मस्ती करने वाले हैं। आप गर्मियों के अलावा यहाँ किसी भी सीजन में आ सकते हैं क्योंकि गर्मियों की धूप आपके यहाँ का ट्रिप खराब कर सकती है। नंबर 8, मसूरिया हिल्स गार्डन। मसूरिया हिल्स गार्डन जोधपुर में एक पहाड़ी पर बना बहुत ही सुंदर गार्डन है, जिसे वीर दुर्गादास गार्डन भी कहा जाता है। यहाँ इनकी एक बड़ी सी प्रतिमा लगी हुई है। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ से जोधपुर सिटी का एक बहुत ही खूबसूरत पनोरामिक व्यू दिखाई देता है। यहाँ से सनसेट का व्यू आपका दिल जीत लेगा। यह जोधपुर रेलवे स्टेशन से मात्र 4.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है और आपकी शाम को खुशनुमा बनाने के लिए यह एक बहुत सुंदर जगह हो सकती है। नंबर 7, सुरपुरा डैम। सुरपुरा डैम जोधपुर का नया उभरता हुआ टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ जोधपुर रेलवे स्टेशन से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। यहाँ बड़ी मात्रा में पानी का स्टोर किया जाता है और यहीं से लगभग आधे जोधपुर को पानी की सप्लाई की जाती है। यहाँ आकर आप शाम को बोटिंग का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ बच्चों के खेलने के लिए पार्क भी बना हुआ है और शाम के समय यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। यहाँ कोई एंट्री चार्जेस नहीं है और यह बहुत ही सुंदर व्यू होता है यहाँ का शाम का। शाम के टाइम पे यहाँ पे गाने भी बजते हैं जिसके साथ आप बोटिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। अगर आप यहाँ जाने का मन बना रहे हैं तो बरसात का और सर्दियों का टाइम बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि गर्मियों के टाइम पे धूप के से बचने के लिए यहाँ पे कोई पेड़ पौधे या शेड की व्यवस्था नहीं है। तो अगर आप जोधपुर की यात्रा में निकले हैं तो एक बार यहाँ आना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 6, जसवंथाड़ा। जसवंथाड़ा को राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है क्योंकि यह पूरी तरीके से सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। इसे महाराजा सरदार सिंह ने 1899 ईस्वी में अपने पिता महाराजा जसवंत सिंह की याद में बनाया था। इसके दूसरी साइड में एक गार्डन और कुछ स्मारक और भी बने हुए हैं। इस स्मारक के एक तरफ एक झील और एक पहाड़ी है जो यहाँ की सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। यहाँ का टिकट मात्र 30 रुपए है और यहाँ वीक में किसी भी दिन 9 बजे से शाम 5 बजे तक आया जा सकता है। यहाँ एक काफी शांत सी जगह है और यहाँ घूमने में आपको ज्यादा से ज्यादा आधे से एक घंटे का समय ही लगने वाला है, तो अगर आप जोधपुर आए तो यहाँ भी आप विजिट कर सकते हैं। नंबर 5, कायलाना लेक। कायलाना लेक जोधपुर रेलवे स्टेशन से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर बनी एक आर्टिफिशियल लेक है जो 1872 में बनवाई गई और लगभग 1 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। इस लेक के एक किनारे में एक सुंदर सी पहाड़ी है जो इसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। यहाँ आकर आप मोटर बोट, स्पीड बोट, जिप लाइन का आनंद उठा सकते हैं।
प्रकृति प्रेमियों के लिए यह एक बहुत ही अच्छी और आनंदमयी जगह हो सकती है। आप यहां आए तो बोटिंग करना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहां की बोटिंग से बहुत सुंदर और आनंदमयी नज़ारे दिखाई देते हैं। नंबर 4, सिद्धनाथ महादेव। कायलाना लेक से थोड़ी आगे यह मंदिर पहाड़ों और ट्रैकिंग के प्रेमियों के लिए बहुत ही सुंदर है। यहाँ एक मंदिर बना है जो काफी ऊंचाई पर और सुंदर नज़ारों के साथ है। यहाँ पहुँचने के लिए काफी सीढ़ियों का चढ़कर जाना होता है और यहाँ से जोधपुर शहर और कायलाना लेक के बहुत ही सुंदर नज़ारे दिखाई देते हैं। अगर आप यहाँ जाएं तो कंफर्टेबल शूज और कंफर्टेबल कपड़े पहनकर अर्ली मॉर्निंग में जाएं, ताकि आप इस सफर का और अच्छे से मजा ले सकें। नंबर 3, मंडोर गार्डन। मंडोर गार्डन जोधपुर रेलवे स्टेशन से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर मंडोर नाम के एक गांव पर बना हुआ है। यह बहुत ही सुंदर पार्क है और इसमें जोधपुर के राजपूत शासकों के बड़े व आकर्षक स्मारक बने हुए हैं। यह कहा जाता है कि लंकेश रावण की पत्नी मंदोदरी का भी यहाँ से कुछ संबंध था, इसीलिए इस जगह का नाम मंडोर पड़ा। यहाँ के स्मारकों में हस्तशिल्प की बहुत ही सुंदर कलाकृतियां मौजूद है। यहाँ एक म्यूजियम व एक सनसेट पॉइंट भी है। यहाँ का एंट्री टिकट बिल्कुल फ्री है और यहाँ वीक में किसी भी दिन आया जा सकता है। नंबर 2, उमेद भवन पैलेस। उमेद भवन पैलेस जोधपुर रेलवे स्टेशन से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बहुत ही सुंदर महल है। इसे महाराजा उमेद सिंह ने बनवाया था और अब इसके ओनर उनके पोते गज सिंह जी हैं। इस महल को एक छोटा सा पार्ट पर्यटकों के लिए खुला छोड़ा है, बाकी का पूरा हिस्सा एक 5-स्टार होटल में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसका मैनेजमेंट ताज होटल द्वारा किया जाता है। इस होटल में रूम आपको रॉयल फील्ड देते हैं। यहाँ के रूम की एक दिन की बुकिंग 50,000 से शुरू होती है। इस पैलेस में एक वेंटेज कार म्यूजियम भी है, जिसमें बहुत पुराने समय की कारों का कलेक्शन रखा हुआ है। इसकी खास बात यह है कि ये सभी कारें अभी भी चलने की कंडीशन में रखी हुई है। यहाँ रॉयल शादियों के लिए भी बुकिंग की जा सकती है। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी भी इसी पैलेस में हुई थी। इस पैलेस और म्यूजियम को देखने का टिकट मात्र 60 रुपये प्रति व्यक्ति है, जिसमें 9 बजे से शाम को 5 बजे तक आया जा सकता है। और नंबर 1 पर है मैरानगढ़ फोर्ट। मैरानगढ़ फोर्ट पूरे जोधपुर का बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इसे देखने के लिए देश विदेश से रोज हजारों टूरिस्ट आते हैं। यह किला शहर से लगभग 122 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ों की चोटी पर लगभग 1200 एकड़ में फैला है, जिसे 1459 में राजपूत शासक राव जोधा ने बनवाया था, जिसके नाम पर यहाँ के शहर का नाम जोधपुर पड़ा। इसके अंदर राजा महाराजाओं के समय की बहुत सी चीजें जैसे तलवार, ढाल, पोशाकें, शाही टेंट, पालकियाँ व बच्चों के लिए झूले की प्रदर्शनियों में रखा गया हुआ है। इसके कॉम्प्लेक्स में शीश महल, फूल महल, तखत विलास नाम की 3 सुंदर महल इसकी शोभा बढ़ाते हैं। यहाँ का एंट्री चार्जेस 200 रुपये प्रति व्यक्ति है। यहाँ सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक आया जा सकता है। जोधपुर आए हैं तो यहाँ जाना बिल्कुल मत भूलिएगा, यह बहुत सुंदर और एंटीक जगह है। तो यह थे टॉप 10 प्लेसेस ऑफ जोधपुर नियर टू रेलवे स्टेशन। इन सभी के अलावा आप गणेश टेम्पल, बलसा मंड लेक, राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क, बिश्नोई विलेज भी विजिट कर सकते हैं। तो आपको यह वीडियो और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम अपने चैनल में इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहते हैं। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दे इजाजत। जय हिंद।